दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी अभी चैन बोर्ड से जारी नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए एक लंबे इंतजार को लेकर जो कि खत्म हो गया है, इसके अलावा 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही UPSSC PET के बारे में, इसके साथ ही अगर बात की जाए खुशखबरी को लेकर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर छात्रों की यहाँ से जीत भी हुई है। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि छात्रों को अपने हक के लिए लगातार सड़कों पर उतरना पड़ता है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पे भर्ती के लिए अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं, भर्ती के बाद परीक्षा के लिए सड़कों पर उतरते हैं, फिर परीक्षा के लिए, परीक्षा देने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, फिर उसके बाद में परीक्षा के परिणाम जारी करने के लिए, फिर नौकरी पाने के लिए, इसके बाद में लगातार अलग अलग कहीं ना कहीं आप सभी को जो प्रक्रियाएं वो देखने के लिए मिलती हैं, जिनके लिए आप सभी को सड़कों पर आकर अपनी मांगें उठानी पड़ती है, तब जाकर आप सभी को आपका जो अधिकार है वो मिल पाता है। एक बार फिर से यहाँ पर ऐसा ही देखने के लिए मिला, छात्रों की बड़ी जीत हुई है, सरकार ने उस बात को स्वीकार कर लिया है। छोटा सा वीडियो आप सभी को देखने के लिए मिलता है जो कि मैं आप सभी को दिखाने भी वाला हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर परिणाम घोषित किया गया था। इस परिणाम के घोषित हो जाने के बाद से लगातार ये भर्ती लटकी हुई थी, भर्ती पूरी नहीं हो रही थी, अभ्यर्थी सड़कों पर होते हुए थे, मांग कर रहे थे कि इस भर्ती को पूरा कर दिया जाए, लेकिन शासन प्रशासन पूरे तरीके से मौन था और ना ही छात्रों की बातों को सुनना था। आज उन्होंने आकर छात्रों के सामने वादा की, क्या कहा पहले आप भी यहाँ से देखें। बैठे नहीं हम लोग, कर ही रहे हैं। पड़ेगा हम लोग बहुत मजबूर हैं, बहुत एकदम। यहाँ डेंगू पकड़ लिया, समझ लिया, आठ दिन हम लोग, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। जवाब नहीं, आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं। बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम देखो, गवर्नमेंट से जियो कराना होता है, कुछ प्रक्रिया फॉलो करनी होती है, इतना आसान नहीं है। हम अपने लेवल पे ही करना होता है, बहुत जल्दी करना पूरा हो गया है, सब चल रहा है, पूरा वैकेंसी निकल रही है। गवर्नमेंट से जियो कराने के लिए जियो बनाना पड़ता है, गवर्नमेंट को हम बना के देते हैं, वही जारी करनी है। ऐसे अगली बार मैम कहा गया तो फिर अब मान लो की नहीं मैम, नहीं मैम कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा उसको मैम भर्ती पूरा होने देना था, कोई भर्ती है नहीं, बहुत परेशान तो फाइनल एक महीना बता रहे हैं ना, स्कूल एक महीने मैम स्कूल पहुँच जाएंगे। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि आप नवंबर तक सब फाइनल करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने देखा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, जिसके अंदर अधिकारियों के माध्यम से आश्वासन दिया गया है कि भर्ती को लेकर एक महीने का समय दीजिए, एक महीने के अंदर एडेड जूनियर भर्ती पूरी हो जाएगी, उसको लेकर अभ्यर्थी ने मानते हुए अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। चलिए बात कर लेते हैं भर्ती को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं चयन बोर्ड पूरे तरीके से बंद पड़ा है। पिछले कई दिनों से चयन बोर्ड की तरफ से कोई भी नया आदेश या नया नोटिस जारी नहीं किया गया है, क्योंकि चयन बोर्ड के अंदर सदस्य नहीं है। जब से चेयरमैन ने इस बात को कहा है कि हमारे पास सदस्य नहीं आ जाएंगे, किसी भर्ती को लेकर हम आगे का प्रोसेस शुरू नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच छात्रों के लिए अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर चयन बोर्ड के माध्यम से कुछ तो कुछ शुरू कर दिया गया है और आज की तारीख में एक नया नोटिस जारी करके छात्रों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 18 अक्टूबर 2022 को एक आवश्यक सूचना के संबंध में यहाँ से कार्यक्रम जारी किया जाता है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने विज्ञापन संख्या 03/2016 के संस्था प्रधान प्रकाशित विज्ञापन के संबंध में 31/12/2013 को संशोधित करते हुए 6/2014 को जारी किया गया था, जिसके आवेदन 25 फरवरी 2014 तक देखने के लिए मिले थे। उसी के क्रम में तमाम जानकारियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन नई जानकारी ये है कि हाईकोर्ट के माध्यम से विभिन्न याचिकाओं पर दिए गए आदेश के अनुपालन में 21/10/2022 को चयन बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई योग्यता के संबंध में यहाँ से आप सभी के जो इंटरव्यू का कार्यक्रम वो जारी कर दिया गया है। नीचे लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग का जो समय देखने के लिए मिलेगा वो 21/10/2022 देखने के लिए मिलेगा, 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसे में लिखा हुआ है कि आप सभी के जो डाउनलोड करने के लिए साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करें,
तदनुसार नियत तिथि और समय पर अपने इंटरव्यू में चयन बोर्ड कार्यालय पर पहुंचे मूल अभिलेखों के साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप सभी अपना इंटरव्यू एडमिट कार्ड पोर्टल से ही डाउनलोड करना होगा, डाक के माध्यम से आपको नहीं भेजे जाएंगे। इसके साथ ही नीचे आप सभी के सामने कुछ और जानकारियां भी लिखी हुई हैं, जो भी अभ्यर्थी संबंधित हैं जाकर चेक कर सकते हैं। यहां पे आप सभी के सामने भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, काफ़ी पुरानी भर्ती है 2013 की। अब जाकर यहां पे इसका जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ है, वो भी हाई कोर्ट के आदेश पर। तो अच्छी बात यह कि चयन बोर्ड के माध्यम से कुछ भर्तियों को लेकर काम शुरू कर दिए गए हैं, उम्मीद है जल्द उसके अंदर सदस्य आ जाएंगे तो और भी लंबित भर्तियों के प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 19,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, ये जो 19,000 पद आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं इसके बारे में कई बार मैंने आपको जानकारी दी है। अभी 2 से 3 दिन पहले आपको समाचार पत्रों में भी जानकारी देखने के लिए मिली थी 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से योगी सरकार को एक आदेश जारी करते हुए कहा गया था कि 19,000 पदों पर या तो सरकार नौकरी दे या फिर इसको लेकर हम फैसला करेंगे। मामला क्या है वो आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 6,800 का घोटाला हुआ था। उस घोटाले को छुपाने के लिए सरकार ने 6,800 की चयन सूची जारी कर दी, लेकिन अभ्यर्थियों ने कहा कि 6,800 का नहीं 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। अब हाल ही में जब 13 तारीख को सुनवाई हुई थी कोर्ट के अंदर, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा था कि आप या तो फैसला करें, या तो नौकरी दें या फिर हम यहाँ से फैसला करेंगे। अब उसी के संबंध में हाई कोर्ट के अंदर कल की तारीख में एक आप सभी को सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप सभी को मैंने कल भी बताया था, मतलब मैंने आपको 13 तारीख को बताया था कि आपकी जो सुनवाई है वो 19 अक्टूबर को होने वाली है। इसी के क्रम में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है कि 19 अक्टूबर 2022 को इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि कल। केस लिस्टेड कर दिया गया है कोर्ट नंबर 18 के अंदर, सीएल नंबर 301 देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले 300 केसों को सुना जाएगा। ये सिर्फ एक नंबर है जो कि अलग अलग केसों के लिए देखने के लिए मिलता है, आमतौर पर ऐसा नहीं है कि 300 केस सुने जाएंगे। मुश्किल से इसके नीचे जितने भी केस होंगे उनको सुनने के बाद में इसका नंबर आ जाएगा, ज़्यादा केस नहीं होने वाले हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो कोर्ट के माध्यम से पिछली सुनवाई में कहा गया था कि या तो सरकार फैसला करे या फिर हम फैसला करेंगे, अब सरकार का फैसला क्या करना है ये तो सरकार का इंतजार है, क्योंकि अभी तक सरकार इस मुद्दे को लेकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। पिछली सुनवाई में सरकार के अधिकारी जो मतलब सरकार के जो सरकारी अधिवक्ता थे उनके माध्यम से 19,000 को लेकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जो अभ्यर्थियों के अधिवक्ता थे उनके माध्यम से दावा किया गया है कि जो घोटाला हुआ है वो 6,800 का नहीं 19,000 का हुआ है। कोर्ट इस बात को लेकर ये कहती है कि सरकार इसको नौकरी दे, अब सरकार कैसे नौकरी देगी कैसे नहीं इसका जवाब कल की तारीख में कोर्ट के अंदर दिया जाएगा, ऐसा सरकारी अधिवक्ता ने पिछली सुनवाई में कहा था। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती जाएगी। बात कर लेते हैं UPSSC PET के बारे में। UPSSC PET की ऑफिशियल आंसर की का अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी जानकारियां वायरल हैं कि इसकी जो आंसर की वो कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन इसकी जो आंसर की को लेकर जानकारी ऑफिशियल है वो मैं आप सभी को दे देता हूँ। असल में मामला मैंने आप सभी को पहले बता दिया था कि आपकी परीक्षा होने के बाद ही UPSSC के माध्यम से आंसर की को लेकर काम शुरू कर दिया गया था, और आजकल परीक्षाओं से पहले ही आंसर की तैयार कर ली जाती हैं, लेकिन कुछ विभागीय कार्य होते हैं जो कि करने होते हैं, उसके बाद ही आपकी आंसर की जारी होती हैं। तो इसी के बारे में UPSSC से कई अधिकारियों से जानने का प्रयास किया गया कि PET की ऑफिशियल आंसर की कब तक आने वाली है। उन्होंने जानकारी दी कि PET की आंसर की को लेकर जो काम थे वो सभी पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन आयोग स्तर पर एक बैठक होने वाली है जो कि आपको 1-2-3 दिन के अंदर देखने के लिए मिलेगी। उन्होंने अभी किसी तारीख के बारे में नहीं बताया है, उन्होंने कहा कि जैसी वो बैठक होती है उस बैठक के अंदर निर्धारित किया जाएगा कि PET की आंसर की कब जारी करनी है, लेकिन उन्होंने ये अवश्य बताया है कि PET की आंसर की बहुत जल्द जारी करने की तैयारी है आयोग की, क्योंकि PET एक ऐसी परीक्षा है जिसके बाद में नई भर्तियों के रास्ते खुलेंगे। इसी वजह से आयोग चाहता है कि जल्दी से जल्दी PET की आंसर की जारी करके इसका परिणाम भी घोषित किया जाए। तो सब कुछ ठीक रहता है तो एक बैठक देखने के लिए मिलेगी आपको जल्द, और उस बैठक के बाद कभी भी इसकी जो आंसर की वो जारी कर दी जाएगी। हो सकता है कि बैठक के शाम मतलब अगले ही दिन या फिर उसी दिन आपकी जो आंसर की वो जारी कर दी जाए। जैसे कोई अगली अपडेट निकलेगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन एडाफर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें।